अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रशीदा यमी किचन। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन गार्लिक पिज़्ज़ा। ये खाने में बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही इजी और चटपटा है। आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं चिकन गार्लिक पिज़्ज़ा की रेसिपी। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा आधा किलो, हाफ कप पानी में 2 टेबल स्पून ईस्ट मिलाकर 5 मिनट के लिए रख दीजिए, जैतून का तेल 3-4 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ गार्लिक, ओरिगैनो 1 टेबल स्पून, शुगर 1 टीस्पून और नमक। अब आटे में सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर दीजिए, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम ईस्ट ऐड करते हैं। ईस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कुमकुमे पानी से आटे को अच्छे से गून लीजिए। आटा गूनने के बाद इसे कवर करके हाफ आवर के लिए रख दीजिए। आइए गार्लिक पिज्जे के लिए गार्लिक सॉस तैयार कर लेते हैं। गार्लिक पिज्जा सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए गार्लिक 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, ओरिगैनो 1 टीस्पून और नमक। एक बाउल में 1 कप केचप ले लीजिए। इसके बाद इसमें सारी चीजें ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गार्लिक पिज्जा सॉस बनकर तैयार है। आइए पिज्जे के लिए चिकन तैयार कर लेते हैं। बोनलेस चिकन 250 ग्राम, चिकन छोटी पीस में कटा हुआ होना चाहिए। मसालों में हमें चाहिए चिकन मसाला 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, रेड चिली 1/2 टी स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टी स्पून, जीरा 1/2 टी स्पून और नमक। फ्राई पैन में चॉप की हुई प्याज को ऐड कर दीजिए। जब प्याज का पानी सूखने लगे, अब इसमें हम ऑलिव ऑयल ऐड करते हैं। आप नॉर्मल तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल से गार्लिक पिज्जे में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा कलर चेंज होने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून गार्लिक ऐड करते हैं। और साथ ही में सारे मसाले ऐड कर दीजिए। मसाले ऐड करने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके मसाले जल रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। जब मसाला भून जाए, अब इसमें हम चिकन ऐड करते हैं। चिकन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसे धीमी आँच पर चिकन को गला लीजिए। जब चिकन का पानी सूख जाए, गैस को ऑफ कर दीजिए। चिकन और सॉस तैयार है, आइए पिज्ज़ा बना लेते हैं। हमारा डो भी तैयार है, आइए इसे अच्छे से गून लेते हैं। थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को अच्छे से गून लीजिए। गूनने के बाद आप जो साइज का पिज्ज़ा बनाना चाहते हैं, उस साइज के बॉल बना लीजिए। पिज्ज़ा पैन में नीचे ऑयल लगा लीजिए और हथेलियों से इसे दबाकर फ्लैट कर दीजिए, ताकि आपका पिज्ज़ा एक राउंड शेप बन जाए। अब इसमें हम पिज्ज़ा सॉस ऐड करते हैं। पिज्ज़ा सॉस चारों तरफ फैला दीजिए। इसके किनारों पर सॉस को ना लगाइए। अब इसमें हम चिकन ऐड करते हैं। अब इस पर हम चीज़ ऐड करते हैं। चीज़ आप अपने पसंद की कोई भी चीज़ ऐड कर दीजिए। चीज़ ऐड करने के बाद ओवन को पहले 180 डिग्री में प्री हीट कर लीजिए। अब इसमें हम पिज़्ज़ा रख देते हैं 8-10 मिनट के लिए, लेकिन बीच में एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। हमारा चिकन गार्लिक पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। दिखने में जितना खूबसूरत है, यकीन जानिए खाने में उतना ही लाजवाब है। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए।
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी एक और यमी सी रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मा सलामा।